हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके लैपटॉप या पीसी में कोई भी ड्राइवर कैसे डाउनलोड करें और कैसे अपडेट करें। चाहे आपका लैपटॉप लेनोवो का हो, चाहे एचपी का हो, चाहे डेल का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे आईपैड हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह का आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर हो, आप उसे किस तरह से अपडेट करें और अपनी स्पीड को, इंटरनेट स्पीड, कंप्यूटर स्पीड को इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम पे, और क्रोम पे जो भी आपका लैपटॉप है, लेनोवो का है, डेल का है, एचपी का है, एसर का है, किसी भी कंपनी का हो, तो वहाँ पे लिखेंगे, जैसे मेरा लैपटॉप जो है लेनोवो का है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेनोवो थिंकपैड X240, मतलब लेनोवो का लैपटॉप है, थिंकपैड X240 मॉडल है, और यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर, ठीक है, और ड्राइवर इंटर मार देंगे। जैसे इंटर करेंगे, हमारे पास जो इसकी ऑफिशियल साइट होगी, नीचे देखेंगे, जैसे ये पीसी सपोर्ट लेनोवो .com, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है X240 लेनोवो सपोर्ट। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारा नया इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख के आएगा ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर। अब इसको आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, एक तो मैन्युअली यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे नीचे आएंगे, आईडीओ है, BIOS है, ब्लूटूथ है, कैमरा, कॉल रीडर, चिप्स, यहाँ पे सारे ड्राइवर पड़े हुए हैं, फिंगरप्रिंट्स का ड्राइवर है, माउस का ड्राइवर है, लैन का ड्राइवर है, रिकवरी ड्राइवर है, पावर मैनेजर है, सारे ड्राइवर हैं। आप यहाँ से USB ड्राइवर है, फायर वायर है, ठीक है, यहाँ पे सारे ड्राइवर हैं। तो आप यहाँ से चाहें जो आपको ड्राइवर ज़रूरत हो, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो मैंने इसको लास्ट अपडेट किया था 15 तारीख 2 फरवरी 2020 को, और यहाँ पर ऑर्डर रिकवरी मीडिया, आप अपने आपके लैपटॉप में जितनी मीडिया थी ये सारी रिकवर कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैनुअली पे कैसे करते हैं, मैनुअली अपडेट हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लैपटॉप कौन सा है, डॉस का है, आप कौन सा विंडो 10 32 बिट्स का चला रहे हैं, विंडो 10 64 बिट्स का चला रहे हैं, तो आपका जो भी विंडो चला रहे हों आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, XP का है, 8.1 है, विस्टा है, तो यहाँ पर हम अपने में चला रहे हैं विंडोज 7 64 बिट्स, तो इस पर क्लिक करेंगे, वैसे तो ये अपने आप ही ले लेगा ऑटोमेटिक। फिर इसके बाद आएंगे सेलेक्ट कंपोनेंट्स, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आईडीओ का डाउनलोड करना है, वीडियो का डाउनलोड करना है, जैसे हमको यहाँ पे आईडीओ का डाउनलोड करना है तो आईडीओ को क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम सर्विस क्या चाहिए, क्रिटिकल चाहिए, ऑप्शनल चाहिए, तो आप जो भी यहाँ पे क्रिटिकल कर सकते हैं, ऑप्शनल कर सकते हैं, ठीक है, इनको हटा देते हैं, रिकमेंडेड कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद रिलीज डेट, ऑल टाइम, मतलब ये दोबारा से कब अपडेट करें, ऑल टाइम के लिए कर सकते हैं, 30 दिन के लिए कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑल टाइम कर देंगे, या कुछ भी आपको जो, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको 30 दिन करते हैं तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास ड्राइवर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे ऑल टाइम के लिए कर सकते हैं, इस ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, अब ये यहाँ पे इसका ड्राइवर के बारे में टोटल आ जाएगा, विंडो 10 32 GB, 8.1 GB, ये किन किन में सपोर्ट करेगा। सबसे अच्छा आपका रहेगा आप यहाँ पर ऑटोमेटिक ड्राइव अपडेट पर क्लिक करें। देखिए, आपका इससे सीरियल नंबर बहुत ज़रूरी होता है, सीरियल नंबर डिटेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर सीरियल नंबर, हमारे जो भी मॉडल नंबर X240 लैपटॉप थिंकपैड टाइप 20AM सीरियल नंबर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सारे ड्राइवर आ गए हैं, ये सारा आ गया है, कितने साल की वारंटी है, सारे चीज आ गई है,
यहाँ पर से आप देख सारी यहाँ पर से सर्विस देख सकते हैं, सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर से डिटेक्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करके करेंगे तो उसमें हमारे एक फ़ायदा होगा। इसमें फ़ायदा ये होगा कि अपने आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को ले लेगा। यहाँ पर से चेंज प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लॉगिन मांगेगा अगर आपका अकाउंट लेनोवो उसकी साइट पे बना है। तो हमारा देखिए सीरियल नंबर ये रहा, मॉडल नंबर ये रहा, विंडोज 7 है, 64 बिट्स है, मैनुअल इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस ये रही, एडिट यहाँ पर से कर सकते हैं, हार्डवेयर मैनुअल, यहाँ पर से हार्ड मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा। हार्डवेयर मैनुअल में क्या क्या है, ये हार्डवेयर मैनुअल डाउनलोड हो रहा है। तो हमको तो ड्राइवर अपडेट करना है, तो हम जाएंगे बैक या यहाँ पे जा सकते हैं। और कैसे डाउनलोड करेंगे, वैसे आप ऑटोमेटिक डाउनलोड करिए, ऑटोमेटिक ड्राइवर अपडेट यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप करेंगे तो मैंने 15 तारीख को अपडेट किया था, आज है 17 तारीख, तो यहाँ पर अपडेट पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ड्राइवर अपडेट होने चालू हो जाएंगे। और ये ड्राइवर अपडेट होके आपकी स्क्रीन की लाइट कम नहीं हो रही है, आवाज़ कम ज़्यादा नहीं हो रही है, सारे प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट स्कैनिंग, अब ये स्कैन होने लगा है, सेलेक्ट ड्राइवर, अब यहाँ पे आप ड्राइवर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो, ऑडियो सही नहीं लगा हो, वीडियो क्वालिटी सही नहीं लगी है, तो आपके विचार आमंत्रित हैं, कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दीजिए ताकि हम आपको और बेहतर सुविधा दें। तो आप देख सकते हैं हमारे ड्राइवर जो सारे अपडेट हो गए। अब आप अगर मैन्युअली डाउनलोड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैन्युअली आप यहाँ मैन्युअल पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपको ड्राइवर डाउनलोड करना है उस पर आराम से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मुझको आईडियो का डाउनलोड करना है तो आईडियो पे क्लिक करेंगे। आईडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दो ड्राइवर हैं, तो दोनों में से कोई। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक, डिजिटल इंडिया की डिजिटल बुक। अब लेन देन की कोई झंझट नहीं, अभी डाउनलोड करें खाता बुक ऐप और पाएं बेस्ट ऑफर, बेस्ट जानकारी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई बेहतर जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।